कितना नुकसान हुआ है सर? नहीं देखिए, मोटे तौर पे तो विभाग को 1500 करोड़ रुपए की चपत लगी है और 5000 स्कीमें हमारी नुकसान में आई थी और लोगों ने, डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और साथियों ने, सब ने मेहनत करके स्थिति को बहुत ही कम समय में सामान्य कर दिया है और इसके लिए बहुत जुनूनी कार्यकर्ता चाहिए, फौलादी हौसले वाले लोग चाहिए, क्योंकि नदियों में जाके काम करना, हमने देखा लोग जो है नदी इतने रौद्र रूप से बह रही है जिस जो सब कुछ बहा के ले गई, लेकिन हमारे कर्मचारी जो है उन नदियों में भी गए, नालों में भी गए, पाइपें भी डाली, बेल्डिंग भी की, टॉर्चों से भी काम किया, मोबाइल की लाइट से भी काम किया, अंधेरे में भी काम किया, तो एक बहुत जोखिमपूर्ण काम था, जान हथेली पे रख के आईपीएस डिपार्टमेंट के लोगों ने काम किया और इसलिए मैंने लोगों से कहा था कि थोड़ा संयम बनाएं, थोड़ा धैर्य रखें, आकर जो लोग स्कीमों को ऑपरेशनल कर रहे हैं उनके घर परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी पत्नी है, उनके भी भाई बहन है, उनके माता पिता हैं, आखिर आपको पानी देते समय हमें उनकी सुरक्षा का भी ख्याल करना है, तो फिर भी सुबह 4-4, 5-5 बजे भी लोगों ने स्कीम ऑपरेशन करके मेरे को व्हाट्सएप भेजा कि ये स्कीम अब ऑपरेशन हो गई। और ये नहीं है, चीफ इंजीनियर्स एससीज खुद जो है मौके पे खड़े रहे, खुद जो है उनको हमने ये कहा था कि स्कीमें जो है सिर्फ लोअर कर्मचारियों पे नहीं आपने छोड़नी, आपको खुद भी वहाँ खड़े होना है, आपको खुद भी हाथ लगाना है, और आपने ऑफिसर्स ने जो है सब जगह से काम किया तो आज स्थिति को हम समझ सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में है और पानी हम हर जगह दे पा रहे हैं। ये हो सकता है कि पानी की औसत कम हो कि जितना वहाँ पे उस शहर में लगता है या उस गांव में लगता है उससे कम हो, लेकिन ये इतना जरूर है कि हमने चाहे उसको किसी और सोर्स से जोड़ के ले लिया हो, कहीं किसी गांव की स्कीम से शहर में दे दिया हो या शहर से गांव में दे दिया, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने मेथड सारे लगाए और आज पानी तो काफ़ी हद तक, जो कि हम पहले कहते थे कि पानी पानी कर देंगे, तो हमें लगता है कि वो स्थिति जो है प्रदेश में ऐसी भयंकर बनी कि उसको नियंत्रित करने में विभाग को बिल्कुल, हमने लिस्टें मंगाई हैं कि जिन कर्मचारियों ने जोखिम में काम किया है, जिन लोगों ने नदियों में कूद के काम किया है, जिन लोगों ने बहती नदी में बिल्डिंग्स की हैं, जिन लोगों ने जो है सोर्स तक जहां कोई पहुंच नहीं सकता वहां पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा जल शक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे सोर्स जो हैं सारे नदियों में हैं, नालों में हैं, झरनों के पास हैं, तो इसलिए जो है ये चुनौतीपूर्ण काम तो था, इसलिए जिन लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने जान को हथेली पर रख के जो है पूरे प्रदेश को पानी देने का काम किया है, उनकी लिस्टें हमने मंगवाई हैं और उनके बारे में आगे क्या फैसले करने हैं वो हम करें। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।